तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। बता के चलिए किसान भाई लोग कि छत्तीसगढ़ में लगातार इन दिनों कोरोना महामारी की चलते जो लॉकडाउन की समय अवधि है उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है। अब शासन प्रशासन की ओर से 5 मई तक जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बीच जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। बता के चलिए जो किसान भाई फल और सब्जी यानी कि उद्यानिकी की जो खेती कर रहे हैं इस बार काफ़ी नुकसान उनको हो रहा है। बता के चलिए पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो खबरों के अनुसार करोड़ों का नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, बात बिल्कुल सच है। शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, पर इस बीच किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बता के चलिए फल सब्जियां बेचने के लिए छूट दे रखी है सरकार ने, पर एक निश्चित तय सीमा के अंतर्गत ही जाकर आपको फल सब्जी बेचना है, लेकिन किसानों को दिक्कत समस्या कहां आ रही है, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। ये ज़रूरी नहीं हो पा रहा है कि कोई भी किसान उनका जो फसल है खासकर जो सब्जियाँ और फल की हम बात करें वो ठेले में लाद कर या फिर किसी वाहन पिकअप जैसी वाहनों पर लेकर किसी गली शहर या फिर गांव में जाकर घूमकर बेचना आज के इस डेट पे यानी कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो बिल्कुल संभव नज़र नहीं आता है। किसानों ने अपनी फसलों को पिछले 3-4 महीने से कड़ी मेहनत धूप में सींच कर अपनी फसल को तैयार किया है कि यह सपना सजाए हुए थे कि इस बार उन मंडियों में उनका फल व सब्जियों की बेहतरीन बिक्री होगी और आमदनी भी उम्दा होगा। पर जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है किसानों के सपने भी ऐसे ही चकनाचूर होते जा रहे हैं। बता दें कुछ दिन पहले डोर टू डोर सब्जी बेचने की छूट मिली थी, लेकिन सब्जी बाजार में पहुंचेगी कैसे इसका ख्याल शासन प्रशासन को नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि महज 20 से 25 किलोमीटर का फासला तय कर शहर पहुंचने को नाकाम रहे किसान अब अपनी फसलों को फेंकने पर मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी ओर मांग उठता है कि मौजूदा हालातों के मद्देनजर किसानों के साथ सरकार को साथ देने चाहिए। फसल बीमा योजना के जरिए लॉकडाउन पर किसानों को जो घाटा हो रहा है उनके एवज में उनको पैसे मिलना चाहिए, बीमा का पैसा मिलना चाहिए। हालांकि एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है, फिर भी इसमें किसानों की मेहनत लगा है और किसानों की उम्मीद लगाई है। किसान ऋण ब्याज कर्ज लेकर अपना फसल तैयार किए थे और इस लॉकडाउन पर किसान अपना फल व सब्जी बेचने पर नाकामयाब रही हैं और फेंकने पर मजबूर हो रही हैं। तो इन परिस्थितियों पर सरकार को विचार करना चाहिए, किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और फसल बीमा के तहत किसानों के फसलों के नुकसान के एवज में उनके खाते पर बीमा योजना के तहत पैसे मिलने चाहिए। यह एक हमारा व्यक्तिगत विचार है, आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरी पहलू पर बात करते हैं। जी हां, हम आप लोगों को बता दें कि अभी खरीफ का सीजन भी ज्यादा दिन नहीं है, ऐसे में किसानों के पास खाद और बीज का भंडारण होना अति आवश्यक है। 15 से 20 दिन के बाद मानसून का दबदबा शुरू हो जाएगा, सिलसिला पानी गिरने का शुरू हो जाएगा और किसान अपनी खेतों की तैयारी पर जुट जाएंगे। ऐसी स्थिति पर अगर सही समय पर खाद और बीज का भंडारण नहीं हो सकेगा बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या से किसान घिर जाएंगे और इस बार खरीफ का जो फसल है काफ़ी प्रभावित हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं किसानों के हितों के मद्देनजर जो योजनाएं शुरुआत की गई है, जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र और राज्य के माध्यम से, उन योजना में भी काफ़ी देरी देखी जा रही है। बता के चले कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो पैसे दिए जाते हैं वो मई में आने वाली है। अभी मई काफ़ी टाइम बचा है क्योंकि 21 मई में पहला किस्त जारी होता है। अब इधर देखें, बात करें मौजूदा हालात में तो किसानों के लिए एक एक दिन एक एक साल जैसे बीत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें किसान सम्मान निधि योजना जो कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को 2,000 रुपये किस्तों के माध्यम से दी जाती है, तो उस योजना का पैसा भी अब तक किसानों के खाते पर नहीं पहुंची है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार आगे आना चाहिए और किसानों को इस विषम परिस्थिति में मदद की हाथ बढ़ाना चाहिए। इस बीच हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा प्रदर्शन ने 30 अप्रैल को प्रदर्शन का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि किसानों ने खेती किसानी, कोरोना राहत और जन स्वास्थ्य से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ऐसे में इस विषम परिस्थिति कोरोना काल के मद्देनजर हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि किसानों के हितों के मद्देनजर कुछ योजना बनाएं, गाइडलाइन जारी करें ताकि इस लॉकडाउन के चलते भी किसानों को घाटा ना हो, उनके हितों की रक्षा हो और कुछ आमदनी भी कर सके। और किसानों के हितों के संबंधित जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की ओर से चलाई जा रही है उन योजनाओं का पैसा भी किसानों के खाते में जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दी जाए ताकि किसान सही समय पर अपनी तैयारी कर सके। आप अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़े लेटेस्ट अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।